हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैक्सिकन राइस, जो बहुत ही कलरफुल डिश होती है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ओपन पॉट में थोड़ा बटर और ऑयल ले लेंगे। उसमें गार्लिक को 1 मिनट के लिए सौते करें। साथ में हम अनियंस भी डालेंगे और उसे हल्का सा सौते करेंगे और पिंकिश होने तक ही कुक करेंगे। गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, थोड़े मटर और मैं डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली। वेजिटेबल्स को थोड़ा हाई फ्लेम पर हम 1-2 मिनट सौते करेंगे। वेजिटेबल्स का क्रंच नहीं जाना चाहिए, हमें उनको सॉफ्ट नहीं बनाना। मसालों में मैं डालूंगी सॉल्ट, रेड चिली और मैक्सिकन राइस बनाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और ओरिगेनो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। और मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स हैं, मैं वो भी थोड़े से डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट आएगा हमारा, जो है टोमेटो प्यूरी। कोशिश करके रेड कलर के टोमेटो लेना। 2-3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, उसके साथ मैं टोमेटो केचप भी डालूंगी 2 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो अच्छा है। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1-2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। मिक्सचर को एकदम ड्राई नहीं रखना है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, उतना हमको कुक करना है। अब मैं इसमें कुक्ड राइस डालूंगी और कुक्ड राजमा डालूंगी। 2 स्पून्स चॉप्ड टोमेटोज, ये ऑप्शनल है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कितना कलरफुल लग रहा है ना। कोरिएंडर लीव्स और लेमन जूस डालकर बस एक फाइनल मिक्स दे देंगे और हमारे मैक्सिकन राइस रेडी हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय।